ठीक है मैडम, आप शायद आपको फॉर्मूला चाहिए तो परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आप कान खोल के मेरी बात सुनिए, ये जो फॉर्मूला है भाइयों, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इकोनॉमिक्स हर जगह लगेगा, तो इसको ध्यान से समझ लो। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। और चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये हर जगह लगता है। परसेंटेज चेंज आपके करियर में भी ऑलमोस्ट एवरी 3 डेज में लगेगा, 2 डेज में लगेगा, तो समझ लीजिए। तो परसेंटेज चेंज में, परसेंटेज में पहले चेंज निकाला जाता है। अब याद रखिए कि जो चेंज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। याद है कोई डाउट? निशा जी बताइए, फाइनल क्या है इस केस में? ओ माता जी, फाइनल फाइनल नंबर क्या है? 30,000। इनिशियल क्या था मैडम? बहुत बढ़िया, तो चेंज कितना हो गया मैडम? कैलसी यूज करके बता दीजिए क्या होगा। यहां तक किसी को डाउट है? मैं जानी आपको डाउट है। तो चेंज कितना हुआ? -220,000 लायंस। ये समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है? अब चेंज जो है वो है -220,000 अपॉन इनिशियली कितना था? बहुत बढ़िया, इनटू 100। तो आंसर कितना आएगा? कैलसी यूज करके बता दीजिए, बताइए मिर्जानी, कैलसी यूज करके बताइए कितना आंसर आया। बताओ भैया, मिर्जानी नेगेटिव का मतलब क्या है? और ठहर जा भाई जी, नेगेटिव का मतलब बेटा वो डिक्रीज हुआ है, 88% डिक्रीज हुआ है। तो टाइगर्स, आपने 35 ईयर्स में 90% टाइगर्स को मार दिया आपने। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जी, बताइए।